नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि नेटवर्किंग जो है उसके अंदर सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ी। व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है। दोस्तों, आप और हम सभी जानते ही हैं कि जितना भी डेटा ट्रेवल करता है, चाहे वो हमारी इमेज फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, वॉइस फॉर्मेट में हो, या किसी भी तरह का डेटा फॉर्मेट हो, तो ये सारा का सारा जो डेटा एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है, ट्रेवल करता है, तो डेफिनेटली वो जो है एक नेटवर्क के थ्रू ही होकर जाता है। तभी जो है हमारा कोई भी चीज, अगर कोई फाइल हम एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो ईमेल के जरिए भेजते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं, या किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम शेयर करते हैं, तो वो जो डेटा ट्रेवल करता है वो डेफिनेटली पूरा नेटवर्किंग के थ्रू ही ट्रेवल करता है। तभी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच पाता है। तो यहां पे बात आती है नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि ऐसा जो डेटा जो ट्रेवल करता है नेटवर्क के थ्रू, उस डेटा की सिक्योरिटी करने को जो है नेटवर्क सिक्योरिटी कहा जाता है। तो सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है, तो बीच में उस डेटा जो हमने भेज रहे हैं, वो डेटा जो ट्रेवल कर रहा है नेटवर्क के थ्रू, जो चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, तो उसको कोई मॉडिफाई ना कर पाए, कोई उसको जो है मॉनिटर ना कर रहा हो, या उसको कोई भी जो है बीच में से ही रोक ना ले, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारा डेटा जो है जहां पे हम पहुंचाना चाहते हैं वहीं पे राइट लोकेशन पे पहुंचे, उस वजह से जो है हम यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो है आया है। तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये नेटवर्क सिक्योरिटी करता क्या है कि जो भी डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उस डेटा को सिक्योर करके जो है एक जगह से जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, यहां पे बात करें कि हाउ नेटवर्किंग सिक्योरिटी वर्क, तो नेटवर्क सिक्योरिटी काम कैसे करता है, तो चलो थोड़ा सा इस पे भी ब्रीफ डालते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली अगर हम बात करें, तो जब भी कोई डेटा हमारा नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है, वो बेसिकली दो फॉर्मेट्स में ट्रेवल करता है। पहला होता है प्लेन टेक्स्ट और दूसरा होता है एनक्रिप्शन। तो यहां पे जो प्लेन टेक्स्ट है, अगर प्लेन टेक्स्ट अगर हमारे नेटवर्क के थ्रू अगर ट्रेवल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको बीच में कोई भी जो नेटवर्क को काफी अच्छे से समझता है, जो जानता है कि किस तरह से डेटा को डाइवर्ट किया जा सकता है, किस तरह से नेटवर्क को जो है डेटा को जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से उसको डिलीट किया जा सकता है, तो वो प्लेन टेक्स्ट के साथ डेफिनेटली किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी फॉर्मेट जो कि है एनक्रिप्शन फॉर्मेट, तो एनक्रिप्शन जो है एक बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन है नेटवर्क के अंदर डेटा पूरा ट्रेवल कराने के लिए। बेसिकली यहां पे जो है पूरा डेटा जो है हमारा एक जो उसकी रॉ फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ना जाके एक डिफरेंट फॉर्मेट में जाता है, जिसको जो है कोई भी चाहे कि बीच में से अगर उसको मॉडिफाई कर ले या कुछ भी करने की कोशिश करे या डाइवर्ट करने की कोशिश करे, तो उसके लिए जो है वो बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है कि उसको वो अपनी तरफ में रीडायरेक्ट करे या मॉडिफाई करे या उसको जो है डिलीट कर पाए। तो ऐसे में जो डेटा है हमारा वो डेफिनेटली पूरा प्रोटेक्टेड एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से पहुंच जाता है बिना किसी मॉडिफिकेशन अल्टरेशन के। तो यहां पे अगर बात करें डेटा सिक्योरिटी की, तो यहां पे जो एनक्रिप्शन आता है, जो हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमारे डेटा को सिक्योर प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, सिक्योर टनल के थ्रू लेके जाता है, सिक्योर चैनल के थ्रू लेके जाता है, तो यहां पे बात आती है कि ये जो एनक्रिप्शन फॉर्मेट्स हैं ये कितनी तरह की हो सकती हैं। दोस्तों, यहां पे हम बताएं कि एनक्रिप्शन जो बेसिकली दो तरह से हमारा डेटा किया जाता है, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि ये ट्रेवल कैसे करता है, एनक्रिप्शन जो है वो काम कैसे करता है। अब सपोज कर लो कि मैं जो हूं आप लोगों को एक डेटा भेज रहा हूं, एक ईमेल कर रहा हूं, तो मेरा जो ईमेल है वो जैसे ही मेरे सिस्टम पे आउट होने की बात आती है, तो मैं उसको सेंड पे क्लिक करता हूं, तो वो जो है सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो उसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं वो उस डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट करने के बाद जो है एक ऐसी फॉर्मेट रेडी कर देता है जो कि आसानी से बाहर जो है कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, और उसको जो है एक सिक्योर चैनल के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही आपके पास वो पहुंचेगा, तो डेफिनेटली वो जो एनक्रिप्शन फॉर्मेट है वो ना तो आप समझ सकते हैं, ना आपका सिस्टम समझ सकता है, और ना ही मेरा सिस्टम उस चीज को समझेगा।
तो ऐसे में जो है हर सिस्टम के अंदर जो है इंक्रिप्शन है, तो डेफिनेटली उसमें डिक्रिप्शन का भी एक ऑप्शन होता है। सिस्टम को मालूम होता है कि ये किस फॉर्मेट में आया है, तो वो उसको जो है क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है, और डिक्रिप्ट करके आपको जैसा वो डेटा मैंने यहां से भेजा था आपको, वैसा ही डेटा आपको मिलता है। यानी कि ये जो इंक्रिप्शन है वो सेंडर से लेके और रिसीवर के बीच में काम करता है। तो ये पूरा बीच का जो एरिया आता है वो पूरा नेटवर्क का होता है, यानी कि मेरे लैपटॉप से अगर आपके लैपटॉप तक डेटा पहुंच रहा है तो आपके लैपटॉप में डिक्रिप्ट हो रहा है और मेरे लैपटॉप में एनक्रिप्ट हो रहा है, और बीच में जो पूरा नेटवर्क के अंदर जो है वो इसी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो है पहुंच रहा है। अब बात करते हैं कि एनक्रिप्शन जो है वो किस तरह से होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के एनक्रिप्शन जो है डेटा करने के लिए, डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए फॉर्मेट यूज करी जाती है। पहला इसको कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये सिमेट्रिक जो इंक्रिप्शन है बेसिकली ये जो है एक जिसको हम सीक्रेट की भी बोलते हैं, तो सीक्रेट की के जरिए जो है उसको एक एनक्रिप्ट किया जाता है, और वही जिस की को यूज करके जो है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, उसी की का इस्तेमाल करके ही उस डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अगर कोई दूसरी की वहां पे इस्तेमाल होगी डिक्रिप्शन के लिए तो वो डेटा जो है डेफिनेटली एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट नहीं होगा, जब तक कि सेम जो उसका की जो है वहां पे नहीं होगी। तो ये जो बहुत ही बड़ा सिस्टम है, मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये जो की है वो किस तरह से शेयरिंग होती है, किस तरह से डेटा पूरा एनक्रिप्ट होता है। आज हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से काम करता है। तो यहां पे दूसरा जो होता है हमारा जो इंक्रिप्शन फॉर्मेट होता है वो होता है एसीमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसीमेट्रिक इंक्रिप्शन बेसिकली पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों पे ही डिपेंडेंट करता है। हर सिस्टम के अंदर ये पेयर ऑफ कीज अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही मैं यहां से डेटा भेजता हूं, अगर मेरे सिस्टम से आउट होते वक्त जो है अगर पब्लिक की का इस्तेमाल किया गया है एनक्रिप्ट करने के लिए, तो आपके लैपटॉप पे जैसे ही वो डेटा पहुंचेगा तो प्राइवेट की के जरिए ही उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अगर वहां पे आपके पास प्राइवेट की अवेलेबल नहीं है और पब्लिक की अवेलेबल है, तो आप जो है उस डेटा को, आपका जो सिस्टम है उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये वाइसा वर्सा होता है कि अगर वहां से आपके पास से अगर मेरे को डेटा कोई भेज रहे हो, तो वो डेटा अगर आपका पब्लिक की से ना जाके प्राइवेट की से अगर इनक्रिप्ट किया जाता है, तो वो जो है मेरे पास पहुंचने के बाद पब्लिक की का इस्तेमाल करके ही जो है उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे डेटा को पूरे नेटवर्क में जो ट्रेवल करता है उसको सिक्योर रखने के लिए, उसमें जो अलग, ताकि उसमें जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बीच में कोई उसको समझ ना पाए, उसको रीड ना कर पाए, उसमें मॉडिफाई ना कर पाए, उसको डिलीट ना कर पाए, इस तरह बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के जो चीजें बनाई गई हैं, जो फॉर्मेट्स का इस्तेमाल होता है वो मैंने आज आपको बताई हैं। तो आई होप कि आपको जो नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।